अस्सलाम वालेकुम माय होम शेफ्स, दिस इज फरा। वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और फैमिली फ्रेंड के साथ मेरे चैनल को शेयर करना नहीं भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कोफ्ता कबाब बनाना। सबसे पहले आपने क्या करना है, लहसुन के साथ कीमे को अच्छी तरह से पीस लें। हमारे पास यहाँ है मटन का कीमा, आप चाहे तो बीफ या लैम ले सकते हैं। कीमा 1 kg, क्रश रेड चिली 1.5 tablespoon, कोरिएंडर पाउडर 1.5 tablespoon, रेड चिली पाउडर 1 tablespoon, स्मोक पेपरिका पाउडर 1.5 tablespoon, 1 large onion ले लें, इसको अच्छी तरह से ग्रेट कर लें, पानी अच्छी तरह से निकाल लें, फिर इसे इसके अंदर शामिल कर दें। 1/2 cup पार्सले शामिल कर दें, सॉल्ट शामिल करेंगे इसके अंदर 1 teaspoon, ब्लैक पेपर शामिल करेंगे 1 teaspoon, 3 to 4 tablespoon लेमन जूस, 3 to 4 tablespoon ऑयल शामिल कर दें, बेकिंग सोडा शामिल करेंगे 1/2 teaspoon, अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। ध्यान रहे कि कीमे के अंदर बिल्कुल पानी ना हो, पानी को अब अच्छी तरह से इसके अंदर से ड्रेन कर लीजिएगा। चलिए अब इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। चलिए कबाब बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। इस तरह से निशान लगा लें, ठीक है, निशान लगा कर रखते जाएंगे। इसके अंदर ऑयल डालेंगे, कोफ्ते कबाब आपको शैलो फ्राई करेंगे। फ्लेम को आप मीडियम रखें, हाई ना करें। ये देखें सारे एक जगह कर लें और अच्छी तरह से इसके पानी को ड्राई कर लें, थोड़ा सॉल्ट कुक करेंगे। चलिए अब इसे निकालते हैं और थोड़ा निकाल लें, और इसी के अंदर प्याज और टमाटर फ्राई करेंगे। मटन कोफ्ता कबाब तैयार है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई अच्छी रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे सेफ, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।